नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपके साथ में फरहा सदीकी। जब से अफगान में तालिबान की नई सरकार बनी है, तब से तालिबानी अमेरिका को हेकड़ी दिखा रहे हैं। अब तालिबान ने हक्कानी ग्रुप को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है और साफ कह दिया है कि अगर यूएस ने हक्कानी गुट से बैन नहीं हटाया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब तालिबान की इस धमकी का यूएस ने क्या दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक अफगान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की धाक थी तो तालिबान यहां कब्जा करने की हिमाकत नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहां से हटे, तालिबान ने अफगान पर कब्जा जमा लिया। और तो और, पाकिस्तान जैसे डरपोक देश का साथ मिला तो तालिबान फूले नहीं समाया। अब तो तालिबान ने अमेरिका को ही आंख दिखानी शुरू कर दी है और ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है जिससे अगर अमेरिका ने एक्शन लिया तो इन तालिबानियों का चंद पलों में खात्मा हो जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई और कहा कि सरकार में जिन लोगों को जोड़ा गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने वाला नहीं है। और ये हकीकत भी है कि तालिबान की सरकार में मोस्ट वांटेड आतंकी जो शामिल हैं। अब अमेरिका के इस बयान से तालिबान इतना भड़क गया कि जिसके बाद बौखलाए तालिबान ने साफ कहा कि इस तरह का बयान या कोई बैन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने हक्कानी गुट को लेकर जो बयान दिया है वह पूरी तरह से दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इस तरह का बयान अफगानिस्तान या अमेरिका किसी के भी हक का नहीं है। हक्कानी साहब का परिवार भी इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसे में दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी मांग लंबे वक्त से है। तालिबान ने दो टूक कहा है कि अमेरिका और अन्य देशों के इस्लामिक अमीरात को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस तरह के बयानों को तुरंत रोका जाना चाहिए। अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। अब तालिबान अमेरिका को बता रहा है कि उसे क्या करना है, लेकिन अगर जो बाइडेन अपनी पर आए तो तालिबान को चुटकियों में तहस नहस कर देंगे। बता दें कि अफगानिस्तान में बनी तालिबान की अंतरिम सरकार में कई ऐसे नाम हैं जो संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं या उन पर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है। जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे तालिबान के आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया है और अमेरिका ने हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। तालिबान इससे बैन हटाने की अब मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तालिबान की इस धमकी का अब अमेरिका कड़े लहजे में जवाब देगा। अमेरिका पहले ही तालिबान की आतंकी कैबिनेट का विरोध कर चुका है। अमेरिका ने तालिबान की नई सरकार बनने के बाद साफ कहा था कि वो तालिबान के कहने पर नहीं बल्कि आने वाले दिनों में उनके एक्शन को परखेगा, लेकिन तालिबान पहले ही हरकत करना शुरू कर चुका है जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।